नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर है आपका अपना दोस्त आपके YouTube चैनल पर। दोस्तों, हर दिन की तरह हमने आप लोगों के लिए एक बेहतरीन स्टॉक का चुनाव किया हुआ है। अगर मैं बात करूं तो गोदरेज, डाबर, मारिको, इमामी और बाजार बंद रखने वाली कंपनी है। तो सबसे पहले मैं कंपनी का नाम आप लोगों को बताना चाहूँगा। कंपनी का नाम है काया लिमिटेड। 2003 से मार्केट में काया लिमिटेड काम कर रही है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि कंपनी करती क्या है। तो आप देखेंगे तो कंपनी विशेष करके त्वचा की देखभाल और बालों की देखभाल में अग्रणी कंपनी है और भारत और मध्य पूर्व में अपनी त्वचा क्लिनिकों की श्रृंखला में योग्य त्वचा विशेषज्ञों और USFDA अनुमोदित कॉस्मेटिक त्वचा विज्ञान प्रक्रियाओं में संयोजन के माध्यम से अनुकूलित सेवाएं और उत्पाद प्रदान करती है। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ 2015 में कंपनी का IPO आया हुआ था। कंपनी ने 1498 रुपये का हाई लगाया। उसके बाद से इस स्टॉक के अंदर कंटिन्यू गिरावट देखने को मिली और आप देखेंगे 2020 में कंपनी ने 93.70 रुपये का लो लगाता हुआ दिखा। तो अभी मैं देख रहा हूं दोस्तों, स्टॉक में एक बाउंस बैक आता हुआ दिख रहा है। तो ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं, अगर आप यहां पर लंबी अवधि का निवेश का नज़रिया रखते हैं तो आपको काया लिमिटेड एक ज़बरदस्त प्रॉफिटेबल बना सकता है। अगर वहीं पर आप एज ए स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं, तो भी आपको यहां से 100-150 पॉइंट का मूवमेंट आता हुआ दिखेगा दोस्तों, 1 से 1.5 महीनों के अंदर। तो दोस्तों, इन सब सारी चीज़ों को एक एक करके हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको IIFL का लिंक मिल जाएगा, वहां से जा करके आप अकाउंट खोल सकते हैं। टेलीग्राम, व्हाट्सएप के भी लिंक मिल जाएंगे, वहां से जा करके आप फ्री आपका ज्वाइन कर सकते हैं सारी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। दोस्तों, बात करूँ कंपनी के सेल्स के बारे में तो मैं 2021 की बात कर रहा हूँ। 2021 मार्च में जो कंपनी का सेल्स था 275 करोड़ का हुआ करता था, वहीं मैं अगर मैं बात करूं 2022 में तो बढ़ करके 324 करोड़ का होता हुआ दिखा। और वहीं मार्च 2023 की बात करें तो यहां पे भी जंप होता हुआ दिख रहा है 377 करोड़ का। तो फाइनेंशियल ठीक ठाक होती दिख रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में काया के अंदर आपको एक ज़बरदस्त पैसा बनाने का मौका मिल सकता है। तो दोस्तों, इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा तो ही आपके समझ में आएगा कि क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम काया लिमिटेड के टेक्निकल पैरामीटर्स को देखते हैं। बारी आती है दोस्तों सपोर्ट और रेसिस्टेंट के बारे में जानने की। तो अगर मैं फर्स्ट रेसिस्टेंट की बात करूँ 364.65 का है। अगर सेकंड रेसिस्टेंट की बात करूँ 370.05 का है। और अगर वहीं पर हम बात करें थर्ड रेसिस्टेंट की तो 377.70 का है। तो आप यहाँ पर देखेंगे काया ने सेकंड रेसिस्टेंट को ब्रेक करके 377.25 के ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है। तो ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में स्टॉक के अंदर और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे कंपनी के सपोर्ट पॉइंट को। तो अगर मैं फर्स्ट सपोर्ट की बात करूँ 351.60 का है। सेकंड सपोर्ट की बात करें 343.95 का है। और अगर वहीं पर थर्ड सपोर्ट की बात करें 338.55 का है। तो चलिए दोस्तों, अब हम सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, 5 डेज, 10 डेज, 20 डेज, 50 डेज, 100 डेज, 200 डेज के आल सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ पे बुलिश देखने को मिल रहे हैं। तो सब कुछ यहाँ पे ठीक ठाक होता दिख रहा है और एक अच्छा साइन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम एक नज़र फंडामेंटल के ऊपर डालेंगे। तो सबसे पहले बारी आती है कंपनी के वैल्यूएशन को जानने की। तो आप यहाँ पे देखेंगे छोटा सा यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन दिख रहा है, 466 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पी रेशियो 0.0 का है। डिविडेंड यील्ड 0.0, कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। बुक वैल्यू की बात करें -79.41 का है। फेस वैल्यू 10 का है। प्राइस बुक रेशियो की बात करें -4.49 का है। ROCE की बात करें -62.34% का है। ROE की बात करें 113.00 का है। तो जैसा कि मैंने आपको दोस्तों बताया, अभी सब ठीक ठाक होता दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे फंडामेंटल ठीक देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे कंपनी ने अपने इन्वेस्टरों को रिटर्न कैसा दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों, अगर 1 वीक की बात करूँ 5.23% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 महीने की बात करें 14.5% की तेजी। 3 महीने की बात करें 7.5% का रिटर्न। और अगर वहीं पे 6 महीने की बात करें तो 30% का रिटर्न। 9 महीने की बात करें तो 10% का रिटर्न। बीते 1 सालों में ज़बरदस्त रिटर्न यहाँ पे लगभग आप देखेंगे तो 24% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। 2 सालों की बात करें -20.71% का निगेटिव रिटर्न है। 3 सालों की बात करें तो 80% का पॉजिटिव रिटर्न है। 4 सालों की बात करें तो लगभग 8% का पॉजिटिव रिटर्न है। 5 सालों में आप देखेंगे तो -63.660% का निगेटिव रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर नज़र डालते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, अगर मैं प्रमोटर की होल्डिंग की बात करूँ
59.93% की होल्डिंग है, DII की बात करें 1.34% की होल्डिंग है, FII की बात करें 0.81% की होल्डिंग है, अगर वहीं पे पब्लिक इन्वेस्टर के पास बात करें तो 37.93% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको सीधे चार्ट के ऊपर लेके चलते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, मेरी वेबसाइट भी है www.bigmoneyreward.com, आप जाके विजिट कर सकते हैं, सारी जानकारियाँ यहाँ आपको मिल जाएंगी। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको लेवल बताऊंगा, आपको बाइंग कहाँ पे करनी है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होता है बाय या सेल करने के लिए, मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ आप लोगों को सुझाव देना है इस तरह से स्टॉक के अंदर हम सिलेक्ट करते हैं, स्टॉक का सिलेक्शन कैसा होना चाहिए ये सिर्फ हम आपके जानकारी के लिए बताते हैं। तो दोस्तों आप इसको एज ए पेपर ट्रेड कर सकते हैं, वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो दोस्तों अगर मैं स्टॉक की बाइंग रेंज की बात करूं, तो ये स्टॉक अगर आपको 375 से 380 की रेंज मिले तो आप इस स्टॉक के अंदर बाइंग कर सकते हैं। इसका एक छोटा सा स्टॉप लॉस होगा 330 का, और आने वाले दिनों में जो पहला टारगेट आपको देखने को मिल सकता है 420, 450 और 500। तो दोस्तों अगर आप यहीं पे लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं, तो 3 से 4 सालों का, 5 सालों का, तो फिर आपको 800, 1000 और 1200, 1400 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं चार्ट को जूम आउट करूंगा, तो आपको आप यहां पे देख पाएंगे दोस्तों एक डब्लू पैटर्न यहां पे बनता हुआ दिख रहा है, और कभी भी किसी स्टॉक के अंदर डब्लू पैटर्न एक अच्छा साइन माना जाता है स्टॉक के बाउंस बैक के लिए। आप यहाँ पर देखेंगे जो स्टॉक का हाई रहा है वहाँ से गिरावट होने के बाद से स्टॉक ने, आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ से गिरावट हुई, वापस यहाँ पे एक सपोर्ट लिया वापस बैंस का, जहाँ आप देख पाएंगे सस्टेन नहीं किया, वापस गिरावट देखने को मिली। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे एक मुझे बाउंस बैक आता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों अगर मैं यहीं पे वीकली चार्ट आप लोगों के सामने पेश करूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये तो मैं छोटी अवधि का आप लोगों के लिए टारगेट मैंने यहाँ पे मैं बता रहा हूँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं जो यहाँ के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ तक का टारगेट आप देखेंगे तो 564 रुपये का टारगेट है, ये आपको जल्दी से जल्दी दिखाएगा, और अगर उसके बाद 570-80 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर आप देख सकते हैं ये स्टॉक कहाँ तक का जाने का दमखम रखता है। मैं आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती होगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले दोस्तों। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मेरा हौसला बढ़ता है एक नई वीडियो बनाने के लिए। तो अपना और अपने पोर्टफोलियो का रखिएगा ख्याल, कल मिलेंगे एक नए ब्रेकआउट स्टॉक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।